उत्तर प्रदेश में दूसरी बार कमान संभालने के साथ ही स्वयं योगी ने एक के बाद एक कड़े फैसला लेना शुरू कर दिया है। दूसरे कार्यकाल में स्वयं योगी के वो कौन से फैसले हैं जो उनकी पहचान बन रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। मैं आदित्यनाथ योगी 25 मार्च 2022 उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली। अपने इस दूसरे कार्यकाल में जिम्मेदारी को संभालने के साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के विकास के लिए कड़े फैसले लेने की शुरुआत कर दी। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने के साथ ही सीएम योगी ने यूपी के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए। मुफ्त राशन देने की योजना आगे बढ़ाई। दूसरी बार सत्ता में आने के साथ ही सीएम योगी ने सबसे पहला फैसला गरीबों को ध्यान में रखकर लिया। प्रदेश में 15 करोड़ राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त राशन की अवधि जून तक के लिए बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर फोकस। दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने के साथ ही प्रदेश में विकास के टारगेट पर सीएम योगी ने फोकस किया। प्रदेश के विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर भी फोकस किया। दूसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी ने यूपी की इकोनॉमी के 1 ट्रिलियन के टारगेट तक पहुंचाने के लिए कमर कसने के निर्देश दिए। मंत्रियों को मिला 100 दिन का टारगेट। सत्ता में आते ही सीएम योगी ने नवनिर्वाचित सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट सौंप दिया है। इन 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों की समीक्षा करनी होगी। इस समीक्षा के आधार पर काम की योजना तैयार कर मास्टर प्लान बनाना होगा। यूपी से बाहर जाने की जानकारी देनी होगी। यूपी में दूसरी बार कमान संभालने के साथ ही सीएम योगी ने कि मंत्रियों को मिली छूट पर भी इस बार लगाम लगेगी। सीएम योगी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि मंत्रियों को उत्तर प्रदेश से बाहर जाने से पहले जानकारी देनी होगी। फिजूल खर्ची पर लगाई जाएगी लगाम। मंत्रियों की फिजूल खर्ची को काबू में करने के लिए सीएम योगी ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें एक तरफ मंत्रियों को यूपी छोड़ने से पहले ही जानकारी देनी होगी तो साथ ही मंत्रियों के नई गाड़ी और नया फर्नीचर लेने पर भी सीएम योगी ने रोक लगा दी है। मंत्रियों के स्टाफ को लेकर सीएम योगी सख्त। मंत्रियों के स्टाफ को लेकर भी सीएम योगी ने सख्ती भरा रवैया अपनाया है। स्टाफ को लेकर सीएम योगी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि सभी मंत्री इस बार पुराना स्टाफ नहीं रख पाएंगे। मंत्रियों के स्टाफ का चयन कंप्यूटर लॉटरी के जरिए होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किस मंत्री को पुराना स्टाफ न मिले। गांव-गांव तक विकास पहुंचाने पर फोकस। उत्तर प्रदेश के हर गांव तक विकास पहुंचाने को लेकर भी सीएम योगी ने कमर कस ली है। विकास और सुविधाएं यूपी में ग्रास रूट तक पहुंच जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव के विकास की जिम्मेदारी निभाने वाले तमाम अधिकारियों से बातचीत की और यूपी गांव-गांव के विकास का रोड मैप तैयार किया। अगर हमारे पंचायत प्रतिनिधि जागरूक हो जाएं तो फिर न केवल भ्रष्टाचार बल्कि गुंडागिरी भी पूरी तरह समाप्त हो सकता है। दूसरी बार सरकार बनाने के साथ ही सीएम योगी एक्शन मोड में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सीएम ने ताबड़तोड़ फैसले लेना शुरू कर दिया है और सीएम के हर फैसले में इस बात की झलक है कि यूपी को विकास की राहों में आगे लेकर जाना है। टीम न्यूज़ स्टेट।